नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो हम आज बात करने वाले हैं राशन कार्ड के अंदर आपने किसी भी महिला या बच्चे का नाम ऐड करवाया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, या फिर आपके कोई भी दोस्त ने या फिर आपके कोई जानकार ने भी राशन कार्ड के अंदर अपने बच्चों या महिला का नाम जुड़वाया है तो उसके पास भी ये शेयर जरूर करिएगा ये वीडियो। ओके दोस्तों, अगर आपने ई मित्र के पास जाकर किसी महिला या बच्चे का नाम जुड़वाया है तो वहां पे जुड़ने के बाद ही आपका काम खत्म नहीं हो जाता है। उसके अंदर आप जब राशन कार्ड डीलर के पास में आप नाम चेक करवाओगे तो जिसका भी आपने नाम जुड़वाया है राशन कार्ड के अंदर, उन सभी का नाम आपको दिखाई देगा, बट आप उनका राशन कार्ड नहीं ले पाएंगे। अब ऐसा क्यों है दोस्तों? ऐसा इसलिए है कि अगर जब तक आप उनकी जो आधार कार्ड की और राशन कार्ड की मैपिंग नहीं करवाओगे तो उनको खाद्य सामग्री नहीं मिलेगी, उनका काउंट होगा ही नहीं खाद्य सामग्री में। जैसे अगर मान लो आपके 5 व्यक्ति है ऑलरेडी उसके अंदर और आपने 2 और मेंबर ऐड करवाया है, तो 5 व्यक्ति का है आपको जो सामग्री मिलने वाली थी वो मिलेगी, आपको 2 व्यक्ति का काउंट नहीं होगा। अब वो कब होगा, क्या करना पड़ेगा, वो वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, इसके मत करिएगा। आपको करना क्या है, जिस भी कैंडिडेट का आपने राशन कार्ड के अंदर नाम ऐड करवाया है उस कैंडिडेट का आधार कार्ड, जैसे एक हो गया तो एक और दो है तो दो, तीन है तो तीन, सभी का आपको आधार कार्ड लेना है। साथ में जिस राशन कार्ड के अंदर आपने नाम ऐड करवाया है उस आधार मतलब सॉरी राशन कार्ड के अंदर और राशन कार्ड भी लेना है और आधार कार्ड भी, सभी की 2 कॉपी करवानी है। और जो आपका मतलब राशन डीलर है उसको वह दे देनी है, और देने के बाद उनको बोलना है कि हमें राशन कार्ड और आधार कार्ड का मैपिंग करवाना है। जब तक राशन कार्ड के अंदर आधार कार्ड और राशन कार्ड का मैपिंग नहीं होगा आपको खाद्य सामग्री नहीं मिलेगी, या फिर जो कैंडिडेट है जो भी नए कैंडिडेट जुड़े हैं वो खाद्य सामग्री अपने फिंगरप्रिंट से नहीं ले पाएंगे। तो उसके लिए आपको जरूर ये काम करवा लेना है, अगर ये काम नहीं करवाते हैं तो आप ही दिक्कत में रहोगे। अभी इस वीडियो को आप शेयर कर रहे हो या फिर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको अदर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे जो सोशल मीडिया आ रहे हैं कहीं भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब आप ही बताइए इन्फॉर्मेशन अच्छी है या नहीं है। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी मैं आपको देना चाहता था, क्योंकि अगर आप रियल में इतने दिनों बाद में राशन कार्ड के अंदर नाम जुड़ा है तो जाहिर सी बात है सब खाद्य सामग्री लेने के लिए ही नाम जुड़वाए हैं, तो ये नाम जुड़ने पर ही खत्म नहीं हो जाता, आपको ये काम भी करवाना पड़ेगा तब जाके आपको खाद्य सामग्री मिलेगी। ओके, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी इसके साथ ही। जय हिंद, जय भारत।